अस्सलाम वालेकुम अमीरो, तो बात कर ली जाए कि कौन सा वेपन आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखना है और कौन सा जो है होम डिफेंस के लिए रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक चीज़ बहुत हैंडी है और एक चीज़ जो है आप लोगों को स्पेस घेरती है। अगर शॉटगन की बात कर ली जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की शॉटगन आती है। तो पहले तो ये शॉटगन है, ये हंटिंग शॉटगन है, ठीक है। शॉटगन वो होती है बेसिकली जिसमें जो है कि कार्ट्रिजेस डलते हैं, शेल डलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, बग शॉट आता है, बर्ड शॉट आता है, स्लग्स आते हैं। और इसमें जो है सिंगल बैरल आती है, डबल बैरल आती है, उसमें ओवर एंड अंडर आती है, साइड बाय साइड जो है बैरल आती है शॉटगन, मैगजीन फेड आती है, पंप एक्शन शॉटगन भी आती है। इनकी जो इफेक्टिव रेंज होती है शूटिंग की वो होती है तकरीबन 35 से 100 yards या मीटर्स तक की रेंज होती है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ योर शॉटगन और कौन से आप लोग कार्ट्रिजेस यूज़ कर रहे हैं। बात कर लीजिए हैंडगन की, पिस्टल की, तो ये जो इस टाइम आप लोग मेरे पास देख रहे हैं ये 9mm है। इसमें डिफरेंट कैलिबर्स की आती हैं। अगर पिस्टल के इफेक्टिव शूटिंग रेंज की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 50 yards का डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसमें भी वेरिएशन आती है कि आप जो है 30 bore यूज़ कर रहे हो, 9mm यूज़ कर रहे हो, 0.45 ACP यूज़ कर रहे हो, बैरल एंड एमिनेशन वगैरह पे भी डिपेंड करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। देखें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हैंडगन आपकी पिस्टल हो गई, उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्वर, क्योंकि उसमें लिमिटेड 6 shots इस तरह के जो है राउंड्स आते हैं। इसमें आपके मिनिमम जो है 12 से 15 से 17 से 18 तक आप लोग इसमें राउंड्स में रख सकते हैं मैगजीन में। तो पर्सनल कैरी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, गाड़ी में रखने के लिए पिस्टल से बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं है। एंड डिफरेंस की अगर बात कर ली जाए शॉटगन वर्सेस हैंडगन, तो उसके साइज़ का डिफरेंस है, कैलिबर का डिफरेंस है, आपके बुलेट्स एमिनेशन का, कार्ट्रिजेस का डिफरेंस है। ऑब्वियसली शॉटगन में जो कार्ट्रिजेस डलते हैं वो एट अ सर्टन पॉइंट जो है स्प्रेड होते हैं। जहाँ तक अगर बात कर ली जाए आपके हैंडगन या राइफल की, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल होता है बुलेट स्ट्रेट जो है वो मोशन में जाती है। देखें, अगर बात कर ली जाए कि आपके होम डिफेंस और सेल्फ डिफेंस में कौन सा वेपन आप लोगों को रखना है, सेल्फ डिफेंस के लिए इजी कैरी के लिए कंसील आप लोग इसको जो है कैरी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में इजीली मैन्यूवर कर सकते हैं हैंडगन किसी भी किस्म की पिस्टल को। और अगर होम डिफेंस की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग भी जो है जो वेपन एक्सपर्ट हैं वो होम सिक्योरिटी के लिए शॉटगन को प्रेफर करते हैं। अब जैसे ये हंटिंग शॉटगन है तो ये आप ना ही रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है एट अ टाइम एक आप लोग कार्ट्रिज इसमें बैरल में लोड कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने जो है एक फायर किया तो फिर दूसरे के लिए आप लोगों ने फिर इसका बैरल खोलना है और फिर इसको इजेक्ट करके, और ये ऑटो इजेक्ट वाला भी इसमें नहीं है, तो दूसरा कार्ट्रिज इसमें आप लोगों ने इंसर्ट करना है, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उससे तो बेहतर है आप लोग पिस्टल से ही काम कर लें। लेकिन इसका फ़ायदा ये शॉटगन का, स्पेशली पंप एक्शन होगी, मैगजीन फेड वाली, वो होम डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि शॉटगन का जो कार्ट्रिज होता है ना वो प्रोजेक्टाइल जो है आपके जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं स्प्रेड होके जाता है, एज़ कम्पेयर टू वेयर एज़ जो आपकी हैंडगन हो गई या आपकी राइफल होगी, इनकी जो बुलेट होती है वन डायरेक्शन में एक ही बुलेट जाती है। तो ये मैक्सिमम टारगेट्स को आप एक ही फायर में हिट कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली आपकी राइफल हो गई, जब तक कि ऑटोमेटिक ना हो, जब तक आप लोग राइफ़ल में जो है बिल्कुल एक्सपर्ट ना हो, जॉन विक वगैरह की या टॉम क्रूज की ट्रेनिंग ना ली हो, तब तक आपको उसको एक्यूरेसी के साथ आप लोग उसको फायर नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल टारगेट्स की बात कर ली जाए, जैसे इंट्रूडर आपके जो है घर में आ जाते हैं, तो आप पिस्टल से एक फायर करेंगे, एक बंदा मैक्सिमम हिट होगा जब उसको एक्यूरेट जो है फायर हिट होगा। तो अगर शॉटगन से आप लोग यही प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं तो वो स्प्रेड होकर उसके कारतूस, उसके जो है बॉल बेयरिंग्स जाएंगे, तो वो 2 से 3 बंदे आप लोगों के गिरा सकते हैं विद अ क्लिक ऑफ 1 fire। तो दोस्तों, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये राइट वाला जो सिनेरियो है ये पिस्टल का है, लेफ्ट वाली साइड जो है शॉटगन की है। ये आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, 3 targets हैं और ये 3 targets है साइड पे। ये बैरल इधर बनाई हुई है शॉटगन की और ये बैरल है पिस्टल की, ठीक है। पिस्टल से अगर आप लोग फायर करेंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्टाइल होता है ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। फायर किया आपने, चाहे आपने इस टारगेट को एम किया या इसको, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाले को एम किया आपने, ये आपके प्रोजेक्टाइल जा रहा है इधर हिट हुआ, उसको कहीं भी लगी क्रिटिकल जगह पर या नहीं, वो आपकी किस्मत है। वेयर एज अगर आप लोग शॉटगन से फायर करेंगे, बर्ड शॉट लेते हैं, उसमें छोटे छोटे जो है उसमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं, बक शॉट लेते हैं, उस तरह वेरिएशन होती है, डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर बर्ड शॉट आप फायर करते हैं या बक शॉट फायर करते हैं तो उसमें प्रोजेक्टाइल, उसमें जो आपके बेरिंग्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। या अपने शॉटगन से एक अगर कार्ट्रिज फायर किया, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं और आफ्टर सर्टन डिस्टेंस ये स्प्रेड हो गया, तो ये वल्लाह तीनों आपके टारगेट्स जो हैं हिट हो जाएंगे। तो सेल्फ डिफेंस के लिए आपका पिस्टल कारामद है और होम डिफेंस के लिए शॉटगन जो है यूज़फुल है। क्यों अमीरो, अगर आप लोगों को ये होम डिफेंस वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वेपन लोकल एंड ब्रांडेड फायर आर्म से रिलेटेड वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, दैट वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और गन का लाइसेंस सिंध में कैसे बनाया जा सकता है वो वीडियो भी देखनी है तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मिलते हैं किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।